मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, पर अभी भी चुनावी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस वालों के द्वारा फर्जी मुकदमा कायम कर जनता को परेशान किया जाना अब आम बात हो गई है। फर्जी मुकदमा सिर्फ इसलिए कायम किया जाता है क्योंकि थाने के कर्मचारी हो या फिर बड़े अधिकारी हो, इनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है, तो वहीं पीड़ित न्याय के लिए भटकता रहता है। ऐसा ही मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले गांव टीकर से सामने आया है, जहां पीड़ित राम नरेश यादव पिता शंकर प्रसाद यादव का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ग्राम पंचायत टीकर के वर्तमान सरपंच सरोज गुप्ता के पति शंकर दयाल गुप्ता के द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई कि पीड़ित के द्वारा तिरंगा यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया था। ग्राम टीकर के वार्ड पंच धर्मेंद्र सिंह पिता कांता सिंह द्वारा झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई और गोविंदगढ़ की पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर बिना सत्यता की जांच किए 7 दिन बाद पीड़ित के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है। गोविंदगढ़ की पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज किए जाने की जाँच के लिए पीड़ित ने सैकड़ों लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर पीड़ित का क्या कहना है। मैं 13/8/2022 को अपने घर से रीवा आ रहा था। मैं अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी और बच्चों के साथ, रास्ते में तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। ग्राम टीकर के सीएफटी भवन के सामने थी, तिरंगा रैली निकालने की तैयारी हो रही थी। उस समय रोड के दोनों साइड में काफ़ी वाहन खड़े थे, काफ़ी लोगों की भीड़ थी। रोड बंद था तो मैं अपनी गाड़ी साइड में खड़ा कर लिया। रोड जब खुली तो मैं वहाँ से निकल गया। मेरी वहाँ किसी से कोई बातचीत नहीं हुई किसी भी प्रकार से। 1-2 मिनट का मतलब रोड ब्लॉक थी तो मैं साइड में खड़ा रहा, रोड खुल गई, मैं चला गया। 13 तारीख के बाद मुझे 14, 15, 16 को किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। 16 तारीख को शाम को थाने से फ़ोन आया कि आप थाने आ जाइए। मैं बोला ठीक है, कल सुबह आ जाऊँगा। 17 तारीख को मैं सुबह 11 बजे थाने पहुँचा। थाने जब गया तो TI साहब बोले कि मतलब 13 तारीख को क्या घटना हुई थी। तो मैं बोला सर घटना तो कुछ नहीं, नहीं बोले आप गाड़ी रुकवाए थे। मैं बोला ऐसा नहीं। फिर उन्होंने तो ये बोली कि विधायक जी की गाड़ी आप रुकवाए। मैं बोला नहीं, मेरे हम लोग इतने हैसियत वाले नहीं कि माननीय विधायक जी की गाड़ी रुकेंगे। तो तिरंगा यात्रा भी हमारे देश का सम्मान है तिरंगा। मैं उस रैली में भी मैं किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया, यहाँ तक कि मतलब रैली में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। मैं परिवार के साथ रीवा रहा था, रास्ते में रोड अवरुद्ध थी, इस कारण डूब गया। बोले चलिए ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। 20 तारीख को फिर से फ़ोन आता है थाने से, बोले आप थाने आ जाइए। मैं पूछा उनसे थाने क्यों आऊँ, बताया कि राजनीतिक दबाव इसलिए मुकदमा करना पड़ेगा। मैं बोला सर मैंने मेरा कोई अपराध अगर नहीं है तो आप मेरे गांव में 10-25-50-100 लोगों से गवाही दे रहे। चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें मेरी पत्नी और वर्तमान सरपंच सरोज गुप्ता चुनाव लड़े थे, वही रंजिश को लेके इन लोग हमारे ऊपर झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। रिपोर्ट लिखाई गई है सरपंच सरोज गुप्ता और वार्ड पंच धर्मेंद्र सिंह, और उन्होंने 10-12 लोगों की गवाही दी है। जो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो इस घटना को मतलब जो उन लोगों ने गवाही दी वो लोग मौजूद हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हो। उसके लिए फिर एविड भी मानी महोदय जी को अभी मैं दे रहा हूँ। दिया हूँ आरोप लगने की क्या घटना करने का? घटना ये आरोप लगाए हैं वो कि ये आधे घंटे तक गाड़ी रोक रखे, माँ बहन की गाली दिए और मतलब रैली को आधा घंटा रोक रखे, उनका कहना ये है, और माँ बहन की गाली दी, जो पूरी तरह से झूठ है। नहीं, विधायक जी की गाड़ी रोक, नहीं विधायक जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। गाड़ी कौन था? गाड़ी रैली की पिकअप थी, उस रैली में बहुत लोग थे। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कौन कहा। विधायक जी का क्या नाम, कैसे नाम आ रहा है, क्या नहीं, मुझे केवल TI साहब के द्वारा मतलब ये जानकारी ऐसा मिली कि मतलब वहाँ से मतलब आप गाड़ी ऐसा रुकवाए थे। मैं बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है जबरन फंसाया जा रहा है? मुझे रंजिशन, चुनावी रंजिश के कारण सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता के द्वारा ये पूरी कहानी पूरे गाँव में अफवाह फैलाई गई कि राम नरेश के द्वारा रैली रोकी गई है। ये सब पूरा अफवाह है, केवल सरपंच पति के द्वारा ये सब रंजिशन। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।